और सबसे पहले रुक करेंगे गाजियाबाद का, जहां पर नाले से एक 8 साल की लड़की की लाश बरामद की गई है। बता दें आपको, कल नाले में गिर गई थी 8 साल की मासूम। 18 घंटे बाद वसुंधरा रेड लाइट के पास नाले से लाश बरामद की गई। खेलते वक्त श्याम पार्क के पास नाले में गिरी थी मासूम। एनडीआरएफ की टीम बच्ची के रेस्क्यू में जुटी हुई थी और श्याम पार्क के पास ये बच्ची गिरी थी, लेकिन आखिरकार इस बच्ची का शव निकाल लिया गया। हालांकि पहले से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि नाला बहुत गहरा था, पानी का बहाव बहुत तेज था, तो माना जा रहा था कि हो सकता है इस बच्ची को सकुशल बरामद ना किया जाए, और हुआ भी ऐसा ही। और ये बड़ा सवाल प्रशासन पर भी है, क्योंकि नाले बंद कर दिए गए हैं, खुले नहीं हैं, और जो सुरक्षा के तमाम इंतजाम के दावे करती है प्रशासन, उनकी पोल खोलती है ये खबर। अभी मॉनसून पूरी तरीके से आया भी नहीं है, लेकिन नालों में 1-2 घंटे की बारिश से ही जलभराव हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाते हैं नाले। खेलते खेलते बच्ची कैसे नाले में गिरी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन दर्दनाक खबर ये कि उस बच्ची को सकुशल बरामद नहीं किया गया, नाले से बच्ची की लाश को बरामद किया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, और परिजन भी प्रशासन पर ही गंभीर आरोप लगा रही है। करणवीर कश्यप इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। करणवीर, कल ही आपने अपडेट दिया था कि एक बच्ची गिरी थी नाले में, बाकायदा उसका जायजा आप लेने के लिए पहुंचे थे, तमाम दावे किए जा रहे थे कि बच्ची को निकाल लिया जाएगा, तमाम दावे प्रशासन की ओर से किए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार दर्दनाक खबर कि बच्ची की लाश बरामद हुई। आपने काफी दुखद ये खबर है, जिस जो बच्ची खेलते हुए नाले में गिर गई, और काफी प्रयास जो है रहे शासन के, एनडीआरएफ की टीम लग रही, दमकल की, स्थानीय पुलिस, नगर निगम, सभी टीमें लगी रही, लेकिन जहां बच्ची को ढूंढा जा रहा था, बच्ची उससे 2 किलोमीटर आगे जो है नाले में जाकर के मिली है, और बच्ची की जो डेड बॉडी मिली है, काफी अपने आप में दुखद है। इलाके में इस बात को लेकर काफी प्रशासन के खिलाफ रोष है के काफी कोशिश करने के बावजूद यहाँ नाले की सफाई नहीं की गई, और नाला खुला हुआ है, और कॉलोनी के बीचों बीच ये नाला जाता है, काफी गहरा नाला है, कई फैक्ट्रियों का पानी भी इसमें आता है, जो बरसात के मौसम और अन्य मौसम में हमेशा चलता रहता है। कई बार स्थानीय लोगों ने लिखित में इसकी शिकायत दी है कि इस जो नाले को है, इस पर जाल लगा दिया जाए या फिर इसे पाट दिया जाए, चूंकि ये हर सीजन में चलता है, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ भी नाला है, और कल तेज बारिश की वजह से पानी का बहाव तेज रहा, ये बच्ची उसमें गिर गई और इसकी दर्दनाक मौत हो गई। 18 घंटे बाद इसकी डेड बॉडी